मेरा नाम विक्रम सिंह गोसाई, सन ऑफ श्री कुंवर सिंह गोसाई है। मैं डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से आया हूँ। और मेरी समस्या ये है कि सर से लेके पांव तक सीज हो रहा है। सर से लेके पांव तक सर बिल्कुल बिल्कुल बंद, और पूरा शरीर नीचे तक बिल्कुल एक एक सिस्टम सीज हो रखा है। ये समस्या है। आप क्या करते थे, क्या काम कुछ करते थे? हाँ जी, पहले मैं पोस्टमास्टर था, तो इस समस्या के कारण वो काम नहीं कर पाया। तो फिलहाल डाक रनर हूँ, खाली डाक पकड़ के 5 किलोमीटर दूर तक वहाँ पे रखनी है, लेके आनी, बात बूत कुछ नहीं करनी किसी से। ओके, तो कब से विक्रम जी आपको ये समस्या? 8th क्लास से था मैं। अच्छा। लेकिन मुझे पता तब लगा, क्योंकि बचपन में पता नहीं लगता। हाँ। पता तब लगा जब मैं 1st ईयर में पहली बार रोया था। मैं क्लास रूम में बहुत अपने फ्रेंड के साथ रोया, तो उसके बाद मैं घर जाके भी रोया, तो घर वालों ने कहा कि पता नहीं क्या है, तो पहले बाबाओं वगैरह के पास ले गए। उसके बाद ट्रीटमेंट चला मेरा काफ़ी सालों तक, दवाई वगैरह खाता ही रहा। कितने साल से दवाइयाँ ली आपने? लगा लो तब मैं सेकेंड ईयर में था, तब से दवाई गंगाराम हॉस्पिटल, सारे कौन से डिप्रेशन के कौन से हॉस्पिटल है जहाँ मैं नहीं गया, मतलब ये गंगाराम हो गया, दिल्ली के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वहाँ भी गया, क्योंकि उस समय पिताजी की फाइनेंशियल स्थिति ठीक थी। तो अब आपकी एज कितनी है? इस समय मेरी एज है 45। 45 है। तो अब आप जैसे सखाज वेलनेस में आए हैं, ठीक है, तो आपको ये लगता है कि यहाँ आप ठीक हो जाएंगे? हाँ, ये तो लगता है, ये विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास, क्योंकि मैं पहले एक दो बार पहले भी आया था, भले मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था चीज़ों को। अब आप ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? हाँ, ट्रीटमेंट के लिए ही आए। ठीक है, तो जैसे यहाँ कोई दवाइयाँ नहीं देते हैं आपको, और आप पे तो कितने साल से दवाई ली है, तब भी आपको विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगे बिना दवाइयों के? हाँ, विश्वास तो है, है पूरा विश्वास है। हाँ, पूरा विश्वास। चलिए, तो हम आपसे मिलेंगे जब आपकी थेरेपी पूरी हो जाएगी, ये देखने के लिए कि आप फिर ठीक हुए नहीं हुए, या कैसी आपकी स्थिति है उस समय। तो ठीक है विक्रम जी, मिलते हैं आपसे। प्रणाम, मेरा नाम विक्रम सिंह गोसाई, पिताजी श्री कुंवर सिंह गोसाई, मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं यहाँ डिप्रेशन के इलाज के लिए आया था, सखा जी ने 2 हफ्ते का समय बोला था मुझे। इससे पहले भी एक दो बार मैं आया था यहाँ पे, पर मुझे एक दो दिन रह के मैं चला जाता था, विश्वास पता नहीं ऐसा क्या होता था कि मुझे विश्वास नहीं जगता था। फिर पिछली बार भी आया मैं, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आओ, 21 दिन के लिए आओ, तो मैं यहाँ 7-8 दिन रहा, क्योंकि मैं 20-25 सालों से डिप्रेशन से ग्रस्त आदमी हूँ। 7-8 दिन रहा, तो मुझे पता नहीं क्या होने लग गया कि मैंने कहा नहीं, मैं मुझे जाना है यहाँ से, बेचैनी बढ़ने लगी, पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, ये मुझे दवाइयाँ ही ठीक करेंगी, या यहाँ से नहीं हो पाऊँगा मैं ठीक, तो मैं चला गया। फिर घर में वही वाली परिस्थिति फिर होने लगी, वैसी की वैसी परिस्थितियाँ होने लगी। तो मैंने तब मन बना लिया था, तब जो उन्होंने बोला है समय, उतना समय तो मेरे को रुकना है, चाहे मेरे प्राण ही चले जाए, उतना समय मुझे रुकना है। तो अब मैं आया था यहाँ पे, फ़ोन करा मैंने, उन्होंने कहा आप यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि 10 दिन आपका हो गया है, तो 2 हफ्ते आप हो रही है यहाँ पे। तो शुरू के 4-5-6 दिन तो ऐसा हुआ, होने लग गया मेरे था कि फिर वही बैग उठा के जाऊँ मैं घर, पूरा मन बंद था। लेकिन क्योंकि मैं घर से सोच के आया था कोई बात नहीं, 2 हफ्ते तो रुक जाता हूँ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 2 हफ्ते तो रुकना ही पड़ेगा। धीरे धीरे 7-8 दिन बाद मन स्थिर होता गया, जो ये बेचैनी थी ये थोड़ी कम होने लगी। अब ये है कि काफ़ी कम है, और एक अलग प्रकार का
कमजोरी महसूस हो रही है जो कि मुझे पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि ये कमजोरी आने का मतलब है मन स्थिर हो रहा है कुछ, तो ये है नींद भी ठीक आ रही है, रात को आती है नींद, दिन को रात को नहीं भी आ रही नींद तो मन में ऐसी ये बात नहीं उठ रही कि क्यों नहीं आ रही नींद, ऐसा नहीं आ रही तो बैठा लेटा हुआ थोड़े बहुत विचार आ रहे हैं, कुछ एग्रेसिव विचार आ रहे हैं, पहले मैं घबरा जाता था तो अब ये आ रहा है कि चलो आ रहे हैं तो क्या करना, दिमाग चल रहा है तो आने दो, तो वो आ रहे हैं जा रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद मन शांत हो जा रहा है। अब ये है कि ऐसा भाव उठ रहा है कि घर जाऊंगा थोड़ा बहुत काम करूंगा, पहले तो जो मन बिल्कुल वो, और जो धन्यवाद आपको बताने लिए अपना अनुभव शेयर किया, और जो कुछ बात आप यहाँ जो सखास वेलनेस ट्रीटमेंट में आप जैसे और भी कोई बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज हो सकते हैं है ना, जो आप तो 20-25 साल से इसमें थे है ना, 25 एक साल, हाँ तो ऐसे और भी हो सकते हैं, तो उनके लिए कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बात जो भी कि यहाँ थे वो जो याद रखनी चाहिए या क्या सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए या कुछ बात, हाँ उनके बारे में ही, डिप्रेशन वाले जो डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, जो नौकरी के तनाव से ग्रस्त हो गए हैं या किसी भी हालत में डिप्रेशन में थोड़े बहुत अपने आप को एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ आए, एक बार जो समय उन्होंने दिया है वो बिताएं, आपको ऐसा लगेगा कि ये आप कुछ करा ही नहीं रहे, ये तो खाली मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग वो पता नहीं कुछ ऐसा हो जाएगा कि बाहर से देखने में तो ऐसा लगेगा कि क्या करा रहे हैं, बैठे तो हुए हैं यहाँ पे क्या, ये दिन ही तो काट रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ ऐसी घटना घट जाएगी कि आप डिप्रेशन से निकल जाओगे, डिप्रेशन से ऐसा तो नहीं है कि आप विराट कोहली बन जाओगे या, पर जो आपका स्वभाव है उसमें तो आ ही जाओगे आप, ऐसा भी नहीं है कि तुम पीटी उषा की तरह भागने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये है कि जो डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, जो तुम्हें करना होगा तुम वही काम करोगे, नहीं है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा एक बार आप, अब हाँ ऐसा नहीं है कि किसी के माँ बाप जबरदस्ती लाएंगे, ऐसा काम नहीं होगा, जिसने अपने मन से जिसका विवेक जग रहा है वो जरूर आए यहाँ पे, घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वैसे लग घबराहट होती है यहाँ पे, वो देख के विचार सुन के आदमी को शुरू शुरू में घबराहट लगती है कि ये तो पता नहीं क्या करा रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ आपने तो बीच में उस घबराहट में छोड़ भी दिया बीच, हाँ मैंने तो छोड़ा था, तो उससे कुछ तकलीफें भी हुई आपने बताया, तकलीफें भी हुई घबराहट, फिर ये है कि मैं शुरू में वीडियो देखता था तो इसमें सका जी ने तो वैसे ये बहुत बोल ही रखा है कि जो भी मरीज है ना मैं व्यक्तिगत देख के मैं ठीक करूँगा, तो कुछ यूट्यूब में देख के उसको फॉलो करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसे उनकी हालत ठीक नहीं होगी, जैसे डॉक्टर जब देखता है नब्ज देखेगा तो तभी वो ठीक करेगा, ऐसे ही व्यक्तिगत सामने जब वो खड़े होंगे सका जी तो ऐसा कुछ वो पता नहीं क्या चीज़ देख लेंगे कि वो उस पर काम करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, आप तो चुपचाप घूम रहे हो, लेकिन वो अपना काम हो रहा होता है, वो काम हो रहा होता है तो वो है व्यक्तिगत मिलना ही पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि, और इस बार आपने पूरा थेरेपी करने, हाँ, का लाभ भी मैंने मिला, संकल्प मैंने ये बोला कि अब मैं तभी जाऊंगा जिस दिन वो अपने मुंह से बोलेंगे कि अब आपकी कार्य पूरा हो गया, आप जा सकते हो, आप मुक्त हो, तो इस बार मैं पूरे संकल्प के साथ ही आया था, उससे मेरा शरीर भी कमज़ोर होने लग गया, कई ऐसी कुछ दिक्कतें होने लगी जो मैं बीच में जो मैं नहीं बता सकता, मतलब ऐसा कुछ होने लग गया तो मुझे ये लगने लग गया कि हाँ बेकार है क्यों आया मैं, तो पर मैं संकल्प के साथ आया था, मैंने कहा इतने दिन तो जितने दिन बताया है उतने दिन तो रुकना है, तो उतने दिन मैं रुका, तो उसके एक पीक पे जाने के बाद वो चीज़ निकलने लगी। आपकी ये हंसता खिलता चेहरा देख के हमें बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि हमने आपका वो चेहरा भी देखा है, वो वक्त भी देखा है जब आप उस डिप्रेशन की मतलब बीमार स्थिति में होते थे, आपका चेहरा कैसा है, तो मानसिक रूप से मैं विक्षिप्त हो गया, तो सगा परिवार का एक सदस्य हम आपको देखा है, तो आपका ये हंसता खिलता चेहरा आगे बना रहे और आपका जीवन में आनंद बना रहे और आगे भी फैले, इसकी हम मनोकामना करते हैं, आज आपका
जाने का दिन भी है ना प्रस्थान करने का, तो आपके आगे की यात्रा भी सुलभ रहे, सुखद रहे, शांतिमय रहे। धन्यवाद।